हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स लैम की। ठीक है, चार्ल्स लैम, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हमारे इसमें इंग्लिश लिटरेचर में है, ड्रीम चाइल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका जो वर्क था वो 10 फेब 1775 को हुआ था। कहाँ पे? क्राउन सॉल्ट इन ब्रिटेन में। डेथ इनकी जो हुई थी 27 दिसंबर 1834 में हुई थी। कहाँ हुई थी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने भी यहाँ पे शामिल नहीं किया। नेक्स्ट है, इनके पापा जी का नाम जो था जॉन लैम था। फादर नेम क्या था? जॉन लैम था। और जो क्या थे? एक क्लर्क थे। ठीक है, इनकी मदर जो थी वो हाउसकीपर थी। ठीक है, हाउसवाइफ थी और उनका नेम था एलिजाबेथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लैम गॉट हिज फर्स्ट एजुकेशन एट मिनिस्टर विलियम स्कूल नियर पीटरलैंड। पीटर लैंड के नियर में एक स्कूल थी, विलियम स्कूल, जहाँ पे इन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है पढ़ी या प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। ही लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15। 15 साल के स्कूल में इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। ही वॉज एम्प्लॉयड इन साउथ सी हाउस। आफ्टर वर्ड्स ही वॉज प्रमोटेड टू द सर्विस ऑफ ईस्ट इंडिया ऑफिस। ही रिमेंड इन टिल 1825। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये थे, ऑफिस में थे, और इनको जो है इन्होंने छोड़ दिया 1825 में। ठीक है, लैम फॉल इन लव विथ एलिस। एक लड़की थी एलिस नाम की, जिससे इनको क्या हुआ? प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद ये 7 साल तक उसके साथ प्यार में थे, देन उनको ये मिली नहीं फिर। ठीक है, सिस्टर मैरी, जो इसकी एक सिस्टर थी, वो थोड़ा दिमाग से कमज़ोर थी, तो मैरी किल्ड हर मदर, इनकी माता को मार देती है। और उसी चक्कर में बाउंडेड फादर, मतलब फादर को उसको बाउंड घाव लग जाता है विथ नाइफ, चाकू से। कब? 1776 में। आफ्टर देन, इसके बाद उनको जो है जेल में भेज दिया जाता है, जेल में नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी एक सिस्टर थी जिसने मदर को मार दिया था, अपने पापा को भी घाव दे दिया था, कि कब? 1776 में। और उसके बाद उनको जो है मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था, क्योंकि पागल करार उनको दे दिया गया था इसलिए। ठीक है, लैम ब्रॉड हर अगेन, और लैम उसको छुड़ा लाए फिर। कब? 1797 में अपने घर ले आए वहाँ से। ही पब्लिश्ड अ सीरियस of story in 1807 which is called Tales from Shakespeare। ठीक है, The Essay of Ella, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। Essay of Ella में ही ड्रीम चाइल्ड को पब्लिश कराया गया था, जो आया था 1823 में। ठीक है, ये इनका वर्क है। ही डाइड ऑफ एरिसिपलर, दिस इज प्रोडक्टिंग रेड कलर ऑन स्किन। मतलब इनके शरीर में लाल कलर के चित्ते पड़ गए थे, और जिसके कारण इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हम बात करें द लास्ट एसे ऑफ इला, तो ये आया था 1833 में, और एसे ऑफ इला आया था 1823 में ही ड्रीम चाइल्ड को क्या किया गया था? पब्लिश कराया गया था। तो हम बात करेंगे द ड्रीम चाइल्ड की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।